आपको काफी लोग आपके ऐसा कहते हो, लेकिन हमारे परिवार में भी ऐसा हुआ था, तो हम इस दुख को समझते हैं। मेरी मम्मी पिताजी की भी मौत ऐसे ही विस्फोट में हुई थी। अब मेरी उम्र 19 साल है, मैं समझती हूँ का कैसा दुख है। जाता नहीं होता आदत पड़ जाती, हमेशा दिल में रहता, लेकिन आस्ते आस्ते समय के साथ वो आदत पड़ जाती। हौसला रखना पड़ेगा, बहुत बलिदान किया है देश के लिए, एक तरह से जो उन्होंने बलिदान दिया वो तब आप लोग प्राप्त हो गए, क्योंकि दुख आप सह रहे और आपको अपनी बना दिया। का चुनाव की बात कहीं ना कहीं कर रहा हूँ, अभी आचार संहिता है तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि अभी बीजेपी के लोग बैठे हुए खड़े हुए हैं कि मैं कुछ कह दूं तो आचार संहिता का उल्लंघन करें। हमने 8-10 वोट आते हमने करके सब हाथ के बन जाने वोट देंगे, मतलब चिंता मत करना अम्मा, केंद्र सरकार कांग्रेस की बनेगी, सब गरीबों का उद्धार राहुल गांधी और मैं मिलकर करूंगा। ठीक है, राहुल जी की यही सोच विचार है, गरीब स्वस्थ होगा, गरीब मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। ये जो चौकीदार वौकीदार कहते हैं ना, ये तो खाली अमीरों के लिए चौकीदार है, गरीबों के लिए चौकीदार नहीं है। क्या रानी क्या कर रही हो तुम, पढ़ाई वढ़ाई हो गई तुम्हारी? 5वीं तक पढ़ी है। तो फिर उसके बाद क्यों नहीं पढ़ी तुम? परेशानी है जी। रानी को मैं थोड़ा प्रशिक्षण दिलवाऊंगा जी। रानी को क्या उम्र होगी रानी तुम्हारी? 25 साल हो गए। मतलब सामान बेचने में कोई उपभोक्ता आएगा तो बिकवा दोगी ना सामान उसको? तो रानी को भेजो तुम, वो जो गुना में मैंने वो प्रशिक्षण केंद्र बनाया ना गेल और ILFS का, जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे आगे अपने जीवन को करना और फिर नौकरी दिया जाता है, तो रानी को उसमें भेजो। ठीक है, अपना पता रानी और अपना फोन है तुम्हारा? मैं वहां जाता हूँ मंदिर में। हाँ, तो जिसका रानी का नंबर लेके प्रशिक्षण केंद्र में हम लोग। मेरी डायरी से नानी बनती है उड़ते हाँ? डायरी पूरी पेंसिल नहीं बनती है। अरे नहीं बनती है, बनाते नहीं है। अब सरकार हमारी बन गई, अब दोबारा मैं कुछ नहीं कह सकता कि तो कहेंगे आचार संहिता का। ठीक है, चिंता मत करना। और रानी को मैं प्रशिक्षण के लिए भेजूंगा चुनाव के बाद, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। ख्याल रखना, अच्छा लगा दोनों से मिलकर। भमोरी को हमने जिस जमीन में खोद कर आपने और हमने बीज बोया है, जिस जमीन को आपने और हमने मिलकर खाद दिया है, पानी दिया है, जिस जमीन को हमने छाया दिया है, आज वो वट वृक्ष तैयार होकर जब उभर रहा है तो भाजपा के नेता उसके नीचे छाया लेने आ रहे हैं। 15 साल कोई नहीं आया।